नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। हत्या के जुर्म में 20 साल की सजा पूरी कर जेल से बाहर आए बदमाश ने फिर से एक पेट्रोल पंप पर डकैती के साथ एक व्यक्ति की हत्या करने की योजना बना रखी थी, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बदमाश की गिरोह के 5 साथियों के साथ डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा। आरोपियों के पास धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों पर अलग अलग थाना क्षेत्र में कई अपराध दर्ज हैं। इंदौर की पुलिस को सूचना मिली थी कि खेरीराम के बगीचे में कुछ बदमाश हत्या करने की योजना के साथ डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। पुलिस तत्काल की मौके पर पहुंचकर सभी बदमाशों को हथियारों के साथ पकड़ा। जब इनसे पुलिस ने थाने लाकर पूछताछ की तो पुलिस को आरोपियों ने बताया कि वह भाटिया पेट्रोल पंप पर डकैती डालने के साथ पुराने हत्याकांड में हत्या करने वाले आरोपी की हत्या करने की योजना भी बना रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी जो सालों से हत्या के जुर्म में बंद था, वहीं अन्य आरोपी भी अलग अलग अपराधों में जेल जा चुके हैं। सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। कल हमारी जो वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश भी था और एक अभियान चला था, जो जो अपराधी तत्व लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, तो लगभग 8 लोगों के खिलाफ हमने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। 2 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए हैं, उसके अलावा एक जिला बदर जिसका किया था वो हथियार लेके मिला था, उसको राउंडअप किया है। इसी आधार पर उनको सूचना मिली थी कि जो ख्याली राम का बगीचा है वहाँ पर कुछ बदमाश योजना बना रहे हैं, वो हत्या भी कर सकते हैं और कहीं लूटपाट भी कर सकते हैं। इस आधार पर हमारी 3 टीम बनाई थी और तीनों टीम ने जब दबिश दी तो 6 बदमाश गिरफ्तार हुए थे, जो 2 बदमाश चंद्रनगर थाना क्षेत्र के थे, 3 मलारनी थाना क्षेत्र के थे और 1 हमारे थाना क्षेत्र का था। 6 ही को जब राउंड अप किया तो उनके पास से हथियार वगैरह मिले हैं, शराब भी पी रहे थे, तो कुछ जब्त हुए हैं उसके शराब और पाउच वगैरह। उनसे जब पूछताछ में पता चला तो एक तो भाटिया पेट्रोल पंप की भी उनकी योजना थी डकैती की, उसके अलावा उनका जो गिरफ्तार शुदा आरोपी हैं उसके साथी की हत्या भी हुई थी कुछ साल पहले, उसकी भी वो जिन अपराधियों ने हत्या की थी उनका भी कहीं मर्डर की योजना बना रहे थे। उस आधार पर उन 6 को गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय पेश किया जाएगा। इनके पास से चाकू, तलवार और इस टाइप के जो आर्म्स हैं वो जब्त हुए हैं। 25 आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की है।